ये हमारी कार है, ये हम हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वैकेशन में। चलो बस जाओ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। दिल्ली से हम लोग कालियागंज जा रहे हैं। तो 11:40 में हम लोग दोपहर की 11:40 में हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया और हमें एक दिन 2 घंटा लगेगा पहुंचने में। तो फ्रेंड्स चलिए अभी चलते हैं, क्या क्या हो रहे हैं रास्ते में सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी द्वारका के मतलब दिल्ली के अंदर ही है हम लोग, दिल्ली से बाहर जाने के बाद फिर धीरे धीरे मैं आप लोगों को सब कुछ अपडेट करते रहूंगी। इधर देखिए पीछे शोहोम, शोहोम हेलो कर दो। हेलो अर्श, हेलो कर दो। हाय। तो चलिए हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कुछ कर चुके हैं, चलते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग DND फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं, अभी इसके बाद हम लोग नोएडा की तरफ टर्न करेंगे। अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे में है। तो अभी हम लोग घर से 11:40 में निकले थे तो रास्ते में थोड़ा सा जैम था इस टाइम, तो 1 घंटा अभी 1 बज रहे हैं, 1.5 घंटा हमें लगा है इधर तक आने में। आज हम लोग बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा 2 साल बाद जा रही हूँ मैं अपने मायके, तो इसलिए खुशी तो आप समझ ही सकते होंगे कितना है मेरा। और उसके ऊपर से ऑन रोड जा रहे हैं, इसका तो एक अलग ही मजा है। तो थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सा कि मेरा तबीयत ठीक रहे कि नहीं, इतना दूर तक जानी है, बाकी तो एंजॉय बहुत कर रहे हैं और भी करूंगी आगे आगे। आप लोग देखते रहिए क्या हो रहा है। कैसे लग रहे हैं आपको अभी तक? बहुत बढ़िया। शोम तुम भी थोड़ा सा बोल दो। शोम थोड़ी देर अभी बैठे हैं, उसके बाद उसके लिए एक बेड भी है पीछे, लगा देंगे वो सो जाएगा आराम से और हम लोग मस्ती करते करते पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में एंटर कर चुके हैं। सामने ही टोल रोड दिखाई दे रहा है, तो फास्ट टोल हमारा आएगा अभी, फास्ट वाला टोल। इससे पहले तो टोल नहीं आया था इतना दूर तक। तो हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे के तरफ जा रहे हैं, अभी एंटर कर रहे हैं। देखिए में लिखा हुआ है यमुना एक्सप्रेस वे में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे में घुस चुके हैं। अभी ये चिप्स का पैकेट हम लोगों ने ओपन किया है फर्स्ट कार में, यही इससे स्टार्ट हो रहा है खाना पीना। तो अभी चिप्स ओपन किया, अभी हम लोग चिप्स एंजॉय करेंगे। शो मिलो।
आज का। तो अभी जा रहे हैं हम लोग टोल देने। इस टोल में फास्टैग नहीं चलता है, इसमें कैश ही देना पड़ेगा। शायद नेक्स्ट मंथ से इधर फास्टैग चालू हो जाएगा। तो ये हमारे जर्नी का आज का फास्ट टोल है। आगरा कितना है? 415। घर से जल्दी जल्दी निकल के आए थे, उस टाइम मेकअप नहीं कर पाई, तो अभी थोड़ा सा कार में बैठे बैठे बोर हो रहा है तो थोड़ा सा सोचा मैं मेकअप कर लूं, तो लिपस्टिक लगा लिया थोड़ा सा। फ्रेंड्स हम लोगों ने 12 बिजलाड़ी का बॉटल लेके कार में अभी आए हैं, तो ये फर्स्ट बॉटल हमारा खत्म हुआ अभी इतना देर में। हाँ, 3 घंटे में फर्स्ट बॉटल खत्म हुआ, अभी भी 11 बॉटल बाकी है। कोई बात नहीं, सफर भी बहुत बाकी है। हाँ, सफर भी बहुत ज्यादा बाकी है। तो चलिए अभी आगरा के पास हम लोग पहुँचने वाले है। 26 किलोमीटर में, मतलब आगरा लखनऊ आगरा जो एक्सप्रेस हाईवे है उसमें हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी तक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ताज के बगल से गुजरेंगे, बस ताज नहीं जा पाएंगे टाइम के वजह से। ससुराल जाओगे ना ताज में जाओगे, कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ससुराल ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो ताज बाद में होगा। तो शोम कुछ बोलो, कहा हो? पीछे ओ, सामने आओ, थोड़ा सा अपना फेस दिखाओ दोस्तों को। हेलो, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फेसली ओ इधर वाले साइड में बैठे हुए हैं मेरे पीछे, उधर बैठता तो कैमरा में सीधा दिखाई देता। शुभम पेपर देके सीधा मामा के घर जा रहा है। कितना मजा हो रहा है ना। आज तो जल्दी 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 पेपर खत्म करने में लगा था, ताकि पेपर खत्म हो और तुरंत मामा घर जाए। आज इसका लास्ट फाइनल वाला एग्जाम था, अभी इसके बाद शोम पढ़ाई करेगा 8th क्लास के बुक, 7th क्लास उसका खत्म आज से। टू 50 किलोमीटर के बाद ये हमारा फास्ट ब्रेक है। थोड़ा सा जा रही हूँ अभी, इधर वॉशरूम जाना है और थोड़ी देर पैदल चल लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे ज्यादा बैठी रहूँ ना फिर कमर अकड़ जाता है, तो थोड़ा सा भी जाती हूँ। इधर जगह है, उधर जाके वॉशरूम करना है। देखो फ्रेंड्स कितना सुंदर, इधर हैबिस्कस फ्लावर के कितना ज्यादा है, हमारे बंगाली में जिसे जवा फूल कहते हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स देखिए अभी चाय पी रहे हैं हस्बैंड। मैं चाय की बोल चो ना, अभी चाय खाबो ना कौन, तो थोड़ा सा चाय ब्रेक ले रहे हैं अभी। हम जाओ डस्टबिन का चीज लेके थोड़ा सा फेंक के आ जाओ। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग पास रास्ते बिल्कुल गंदा नहीं कर रहे, पन्नी में रखते हैं सारे कुछ जमा के, जो चिप्स का पैकेट, और इधर जहाँ पे डस्टबिन हो उधर जाके हम लोग फेंक दे रहे हैं।
क्योंकि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना हमारा जिम्मेदारी है। हम लोग बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, रास्ता इतना सुंदर है, अगर ये खराब कर दो तो वो सही नहीं होता है। और अभी बस चाय पी के 5-10 मिनट का रेस्ट लेके ब्रेक, फिर हम लोग रवाना होंगे। उनके लिए चाय, हस्बैंड तो चाय पी रहे, मुझे भी बता रहे थे कि चाय पी लो। मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, मुझे चाय पीने का उतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ नहीं है, एक दो बार ही पीती हूँ बस, अभी तो नहीं पी रही हूँ, बाद में देखूँगी फिर से और एक बार पी लूँगी। ওই বিস্কুটটা দিব, বিস্কুট খাবে, কেক খুলতে হবে না, এই বিস্কুটটা খোলা আছে, খোল একটু দরজাটা। তাহলে বিস্কুট নেই খাতে হো। तो अभी सोहम कह रहे हैं उससे आगे के सीट में बैठना है, इसलिए सोहम सामने वाले सीट में बैठ गया है और मैं सोहम के जगह पे आ गई हूँ, थोड़ा सा एक्सचेंज कर लिया। तो चलिए अभी ब्रेक खत्म हो गया है, 10 मिनट का ब्रेक हम लोगों ने ले लिया, अभी फिर से चल रहे हैं। ये नेक्स्ट टोल प्लाजा है, यहाँ पर शायद फास्टैग चलेगा क्योंकि पिछले वाले उस पर फास्टैग चलता नहीं है, नेक्स्ट मंथ से चलने को कह रहे हैं, इसमें शायद फास्टैग चलेगा। बहुत तो मुझे लगे देखा नहीं चल रहा है यार, आपके यहाँ सिस्टम नहीं है, नहीं है। आगे सीधा लखनऊ एक्सप्रेस आगे है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में एंटर कर रहे हैं, तो ये में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो देखिए इधर से हाईवे का भी बहुत नाम है, बहुत ही अच्छा हाईवे है, इसका रोड बहुत ही अच्छा है, तो चलिए इसमें भी हम लोग एंजॉय करते हैं इस रोड को भी। और ये रोड 317 किलोमीटर का है ये एक्सप्रेस हाईवे, तो चलिए अभी इसको एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड ब्रेक है, अभी थोड़ी देर ब्रेक लिया ताकि थोड़ा सा वॉक कर ले, थोड़ा सा पीठ को सीधा कर ले, क्योंकि थोड़ा सा ये करने से अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, फिर तबीयत खराब लगता है। हाँ नहीं ओखने ओखने नहीं आइसक्रीम फाइसक्रीम आता ही नहीं। ये हमारी कार है और यहाँ पे कार का सफाई हो रहे हैं।
हम लोग अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और अभी बज रहे हैं शाम के 6:54। और इधर से अगर कंटिन्यू ड्राइव करें तो कालियागंज पहुंचने में हमें लगेगा 19 घंटा 7 मिनट। तो यही है अभी का अपडेट। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अंधेरा है बाहर, शाम हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नवाबों के शहर लखनऊ में है। लखनऊ में घुसते ही जैम, बहुत ज्यादा जैम है। एक्सप्रेस हाईवे से अभी तक आ रहे थे तो बहुत ज्यादा अच्छा रास्ता था, बहुत मस्ती से आ रहे थे तो शहर के अंदर घुसते ही जैम में फंस गए। तो अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं अयोध्या शहर में। अयोध्या श्री राम के जन्मभूमि जो अयोध्या नगरी है, उधर हम लोग आ गए हैं। तो आज रात को हम लोग एक होटल में अभी स्टे करेंगे क्योंकि अभी रात का 10:30 बज रहे हैं और इससे आगे हम लोग आज का जर्नी नहीं करेंगे। आज का जर्नी इधर तक रखती हूँ क्योंकि आज बहुत ज्यादा अभी थक गए हैं हम लोग। तो रात को रेस्ट करके कल बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4 या 4:30 तक हम लोग निकल जाएंगे। फिर बाकी जो आधा रास्ता है वो हम लोग कल कवर करेंगे। आज हमने 682 किलोमीटर करीब अभी तक आए घर से लेके अयोध्या तक। तो अभी आधा रास्ता हम लोगों ने क्रॉस किया, अभी बाकी आधा रास्ते का सफर अभी तक बाकी है। तो आज रात को इधर रुक के हम लोग रेस्ट करेंगे। तो हम लोगों ने जो रूम लिया है होटल का, उसका एक बार टूर करा देते हैं आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल साफ सुथरा है। यहाँ पे टॉयलेट है। गीजर है। कल सुबह उठ के हम लोग एक बार नहा के फिर निकल जाएंगे। सुबह सुबह नहा लेंगे तो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे फिर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो चलिए अभी थोड़ा सा ये ड्रेस वेस चेंज करके हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, रात को सो लेते हैं आराम से। 3-4 घंटे का आराम से नींद ले लेती हूँ, उसके बाद फिर से कल का सफर स्टार्ट होगा। तो आज का वीडियो मैं इधर एंड करती हूँ। आज का दिन का इस दिन मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, तो उसमें मैं अयोध्या से लेके बिल्कुल मेरे घर कालियागंज तक मैं दिखाऊंगी आप लोगों को सफर, कल्याणगंज तक का सफर आप लोगों को साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिर इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।